हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइटेरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कल केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर एक हमने पढ़ लिया था, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था। याद है सभी को, कैसा लगा इंट्रोडक्शन? समझ में आया सभी को? कुछ बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे, अच्छे थे। कुछ बोल रहे थे सर पूरा पढ़ाएंगे सिलेबस, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, सिलेबस पूरा ही होगा, चैप्टर कोई भी बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ, एक में डाउट आया था उनको कि HCl एक आपने बोला है कि आयनिक है, ऐसा हो सकता है मैंने बोल दिया हो, पर HCl आयनिक कंपाउंड नहीं है। आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कि मैंने कमेंट भी किया है, आप देख सकते हैं उसमें किसी का रिप्लाई किया मैंने, तो ऐसी नहीं है, वो मैंने ऐसी बोल दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वो आयंस में टूट के ही वो पोलराइजिंग पावर वाला इनऑर्गेनिक में आता है, फजान्स रूल वगैरह, तो आप लोग वो देख लेना क्या होता है। तो वरना मैं आगे हम जो टॉपिक करेंगे वो कवर करेंगे ही, तो उसमें बता दूंगा मैं क्या होता है। चलिए, तो हमारी बातें कुछ रह गई थी। सभी के कमेंट्स मैंने एज पॉसिबल सभी का रिप्लाई देने की कोशिश की है, सभी के डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा तो अगर आप जैसे वीडियो में कोई किसी को डाउट आता है पहले, तो वो उसी वीडियो में कमेंट कर देंगे, ताकि मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तब उसका डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कुछ हमारे रह गए थे। हाँ, कल मैं बता रहा था आपको डायरेक्शन के आधार पर रिएक्शंस, तो कुछ उसमें टॉपिक रह गए थे, जैसे बेस्ड ऑन डायरेक्शन पहला था। हाँ, कुछ बच्चों की ये भी शिकायत थी कि सर लाइट थोड़ी कम है, और कुछ को ये भी शिकायत थी कि सर हमारी जो है वो हिंदी मीडियम है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हिंदी है अच्छी, लेकिन इंग्लिश थोड़ी वीक है, बाकी की इंग्लिश सही होती है, हिंदी कमजोर होती है, लेकिन मेरी हिंदी ठीक है, इंग्लिश कमजोर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी में तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने बताया था, जो रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाए, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं, बाई डायरेक्शनल क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चल रही है। अच्छा, एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब जहां पे रेट वर्ड आ गया ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें उसका मतलब क्या है, वहां पे टाइम का कोई रोल है, टाइम जरूर आएगा उसमें, टाइम। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की दर, रिएक्शन के कंप्लीट होने की जो दर है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये आर है, आर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, शुरू में क्या होगा जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी, शुरू में क्या होगा रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे हमने ले लिया, मान लो किसी आपके किसी बर्तन में हमने रिएक्शन किसी में करवा रहे हैं, एक पात्र में, एक वेसल में, तब क्या होगा, रिएक्टेंट होगा तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जैसे 20 किलो केजी में ले सकते हैं, 20 मोल में ले सकते हैं, 20 मोल 20 ग्राम में ले सकते हैं, 20 वॉल्यूम में ले सकते हैं कि इतने लीटर था, इसमें भी ले सकते हैं हम। तो मैं आपको जैसे 5 मोल मैंने सबसे पहले लिया, इसका आर का मैक्सिमम था ही उस टाइम, जीरो पे, टी बराबर जीरो, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने रिएक्शन के लिए कुछ कंटेंट डाला बाहर से, जैसे मैंने कोई आपका उसको ऐसी कंडीशन दे दी, जैसे हीट दे दिया, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं हीट को, जहां भी लिखा हुआ हो रिएक्शन के ऊपर, इसका मतलब होता है हीट, इसको हीट दे दिया, या फिर इसको कोई कैटलिस्ट लगा दिया, यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे दो, जैसे प्रेशर लगा दिया, प्रेशर, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट क्या था, सबसे पहले 5 मोल था, 5 मोल से 4 हुआ, मान लो इसका 1 बन गया, फिर इसका 3 बचा, इसका 2 बन गया, इसका 2 बचा, इसका 3 बन गया, ऐसे इस क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, जब
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, तो रिएक्टेंट जो है वो शुरू में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा शुरू में, तीव्रता जीरो पे ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी मात्रा क्या होगी, जीरो। तो ये प्रोडक्ट की मात्रा जीरो होगी, रिएक्टेंट सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा रिएक्टेंट की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए दूसरा, दूसरा इसका दूसरा पॉइंट क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड वेसल में होगी। क्लोज्ड वेसल मतलब बंद पात्र, बंद, जैसे ये बंद है, ये कोई कंटेनर है मान लो खुला, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, हम इसमें रिएजेंट डाल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, वापस आने वाली रिएक्शन इस खुले पात्र में नहीं हो सकती, ये हमेशा बंद पात्र यानी ढक्कन लगा हुआ जिसपे होगा उसी में होगी। क्यों, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम, जैसे कल मैंने आपको एक बताया था कि एक रिएक्शन बताई थी आपको, ये वाला डिसोसिएशन रिएक्शन 2NH3N2+3H2, या फिर ये भी डिसोसिएशन रिएक्शन बताई थी मैंने, Ca4+CO2, ये क्या है CaCO3, इसको समझते हैं पहले, सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, और ये क्या है गैस, गैस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जब मान लो ये CaCO3 एक ओपन कंटेनर में होगा, हाँ कल कई लोग बता रहे थे कि सर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो अभी आज देख लेना लाइटिंग, कल मैं कैमरे की सेटिंग करना थोड़ी भूल गया था तो इसी वजह से हो रहा होगा आपको, आज कोई ऐसी दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं, सेट किया तो है। चलिए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसमें है, तो इसमें हमने क्या बढ़ाया इसे टेम्परेचर, इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाली की, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एक कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद CaO और CO2 गैस बनेगी, जब इसमें CaO प्लस CO2 बनेगी, जब ये खुला होगा कंटेनर तो ये गैस बाहर उड़ जाएगी ना, बाहर उड़ जाएगी तो बचेगा क्या CaO, जब CaO अकेला ही बचेगा ये गैस तो बाहर चलेगी, ये गैस बाहर चलेगी तो क्या ये CaO से CaCO3 बन पाएगा वापस, नहीं बन पाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि CO2 तो बाहर उड़ जाएगी तो फिर फायदा क्या हुआ, CaCO3 वापस नहीं बन पाएगा, तो ये फिर रिवर्सिबल कैसे हुई, वापस कैसे आएगी रिएक्शन, नहीं आ पाएगी, इसीलिए CaCO3 को जो है सॉरी इसको क्लोज वेसल में रखना जरूरी होता है, और तभी हम रिवर्सिबल रिएक्शन को मान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, कि ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है, क्लोज वेसल होगा तभी होगा, वरना तो खुले में, तो जैसे ये NH3 का ब्रेकडाउन हुआ, N2 3H2 में समान लो हाइड्रोजन का 2 मोल उड़ गया, ये तो गैस ही बनेगा ना प्रोडक्ट, पहली बात तो ये इसमें रहेगी नहीं, NH3 भी क्या है गैस है अमोनिया, तो इसमें ओपन में तो रहेगी नहीं, ये ओपन में रहेगी नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। दूसरी बात, अगर रहेगी मान लें कैसे भी, तो जैसे NH3 लिक्विड भी होती है, तो उसका अगर होगा तो N2 गैस बनेगी तो ये उड़ जाएगी, तो गैसेस प्रोडक्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, रिएक्शन में वापस आने के लिए उसको वेसल का क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी को? हाँ तो बच्चों, ये आ गया समझ में ये वाली रिएक्शन, तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सिर्फ यही एक रिएक्शन होती है जो कि इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकती है, जो कि इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकती है, जैसे H2+I2=2HI। देखो सबसे पहले H2 और I2 एक एक मोल है दोनों का, यहाँ पे कुछ अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक जो मोल है अंडरस्टूड होता है, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, इसको हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, या फिर हम इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक
तुम्हारा कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हिंदी में लिख दिया है मैंने, रस समीकरण मिति गुणांक, हिंदी मीडियम। कुछ बोल रहे थे कि हम यूपी बोर्ड के, सर हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, कम आती है, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में भी बता देता हूँ, रस समीकरण मिति गुणांक, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन एक मोल आयोडीन के साथ मिलकर दो मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का बना रहा है इसको। चलिए ये रिएक्शन हमने बता दी थी कि ये रिवर्सिबल का एग्जांपल है, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके एचआई बनाएंगे, जैसे इसका मान लो 0.5 मोल मिला, इसका 0.5 मोल मिला, इसका कुछ मिलाया, शुरू में तो ये सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन भी अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा, आयोडीन भी अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा, लेकिन एचआई जो है वो जीरो होगा। कुछ थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हाइड्रोजन का कुछ खत्म हुआ, आयोडीन का कुछ खत्म हुआ, दोनों का कुछ खत्म होके एचआई का कुछ बना, समझ आया, एचआई का कुछ बना, थोड़ी देर बाद एच का और कुछ खत्म हुआ, आई का और कुछ खत्म हुआ, एचआई का कुछ और बना, एचआई का अमाउंट बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ये रिएक्शन इधर जाएगी, जैसे ये रिएक्शन इधर जाएगी क्या होगा, वापस से एचआई की कुछ मात्रा बढ़ी, एचआई की कुछ मात्रा बढ़ी, जब तक एचआई बढ़ता रहेगा, एच वापस खत्म हुआ, आई वापस खत्म हुआ, एचआई कुछ और बना, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, एचआई का अमाउंट बढ़ता रहेगा, तो एचआई से रहा नहीं जाएगा, बोला ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं वापस बैकवर्ड भी जाऊंगा, एचआई जो कि कुछ ना कुछ इसका अमाउंट बना था वापस कम होने लगेगा, और वापस किस में आएगा, इसमें I2 और H2 में, H2 और I2 में वापस टूटता जाएगा। तो यही रिएक्शन होती है जो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेती है, कैसे, ऐसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कुछ पार्ट टूटता जाएगा और हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिलके एचआई बनाते रहेंगे और एचआई का वापस से कुछ पार्ट टूट के H2 और I2 में बनता जाएगा, समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया। तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट होने का मतलब है ये हमेशा चलती रहेगी, चलती कैसे रहेगी, ये हमें रुकी हुई लग रही है कि जैसे H2 और I2 ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये पूरा कभी ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये दोनों कभी ब्रेक नहीं होंगे और ये कभी पूरा नहीं बनेगा, ये कभी पूरा ब्रेक नहीं होगा और ये दोनों कभी पूरे बनेंगे नहीं, उल्टा पलटी हो गया ना, ऐसे ही होगा, ये वाइस वर्सा रिएक्शन चलेगी, H2 कभी टूटेगा नहीं पूरा क्योंकि HI से वापस H2 बन रहा है, I2 कभी टूटेगा नहीं वापस दोबारा पूरा, सॉरी कंप्लीटली टूटेगा नहीं क्योंकि HI से वापस I2 बन रहा है, HI कभी बनेगा नहीं क्योंकि H2 और I2 मिलके HI बना रहे, पूरा नहीं बनेगा, पूरा नहीं टूटेगा। तो ये रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी, इसको कहते हैं कि सम में हमेशा गतिक होता है, गतिक मतलब डायनामिक, सम में इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, अच्छा इक्विलिब्रियम का मतलब समझते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई चीज है जो कि बैलेंस है और रुकी हुई है, ऐसा नहीं होता भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा गतिक, हिंदी वालों के लिए यानी डायनामिक। आज मैं बड़े बड़े लिख रहा हूँ क्योंकि एक शिकायत आई थी कि आप बहुत छोटा लिख रहे हैं सर, तो इसके लिए मैं आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा लिख पाऊँ। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो सारी चीज सारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली रिएक्शन होती है ये तो होती है इरिवर्सिबल, यानी कभी भी वापस नहीं आएगी, तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाले, मैं बात करने जा रहा हूँ जैसे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड सबको पता है, प्लस NH4OH ये क्या है, वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस H2O, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, एक सोल्ट है जो कि किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। तो ये वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाली रिएक्शन क्या होती है,
ये इरिवर्सिबल होती है। आगे इसकी डिटेल में बात बताऊंगा थोड़ी देर, अभी इसको नोट कर लो। ये अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना है। देखो मैंने थोड़ा सा कर दिया है रफली, लेकिन आप थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज लिख लीजिएगा पॉज करके। ये रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। ये वाली रिएक्शन जरूर लिखना, ये इसका कभी सॉरी ये कंप्लीट नहीं होगी कभी। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये वाला जरूर पॉइंट लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो लिख लीजिए। अच्छा हो गया। अच्छा तो इसमें क्या था कि जैसे ये वाली रिएक्शन थी, थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ इसको। तो ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद। तो अभिकारक शुरू में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके जो ब्रेकडाउन होने की जो वेलोसिटी है, वेग, जो इनके टूटने का वेग है, ये क्या है, ये अगर यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सारी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, फॉरवर्ड यानी अग्र दिशा, और ये बैकवर्ड यानी पश्चिम दिशा, वापस आ रहा है। तो ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब इन दोनों का शुरू में जो वेलोसिटी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की, वो क्या होगी, ज्यादा शुरू में। आर एफ जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ये क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन, ये मैं आर एफ लिख रहा हूं, इसके पैर में आर के पैर में एफ लिख रहा हूं, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर बी, आर बी जो है वो क्या होगी, शुरू में कम होगी। ये जैसे जैसे ये ब्रेकडाउन होता जाएगा ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आर बी जो है वो पहले शुरू में क्या थी, कम थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आर एफ और आर बी जो है वो बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, बस यही गेम खत्म। इसी को कहते हैं रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन है उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड जाने की जो वेलोसिटी है और बैकवर्ड जाने की जो वेलोसिटी है वो बराबर हो गई, इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो साम्य में आ चुकी है, आर एफ और आर बी बराबर हो चुके हैं, बस यही तो चैप्टर है, इसी पर हमें सारी डिस्कशन करनी है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। एक चीज डाउट नंबर एक, कईयों को आता है सवाल में आएगा, रासायनिक साम्य में यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, दूसरा स्टेटमेंट, रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रताएं यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाती है, नियति गलत है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं जरूरी नहीं कि ऐसा ना हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये सत्य नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इक्विलिब्रियम पे ये होना ही होना है, इसी की तो कंडीशन है, इसी के बारे में तो चर्चा करनी है, ये होगा तभी तो हम ये पढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए दूसरी चीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है, जो रिएक्शन जा रही है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो जाती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, रुकता नहीं है, हमेशा रुकेगा नहीं। जैसे ही आरएफ बढ़ने की कोशिश करेगा, आरएफ बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की मात्रा, आरएफ बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ते ही प्रोडक्ट जैसे ही ज्यादा होगा प्रोडक्ट वापस टूटेगा और क्या बना देगा, रिएक्टेंट बना देगा, तो आर बी भी बढ़ जाएगा, तो हो गया ना वापस से बराबर। जैसे ही ये बढ़ने की कोशिश करेगा इसको वापस से खुद को बढ़ा के वापस वहीं आ जाएगा, समझ रहे। तो ये एक दूसरे को ओवर क्रॉस नहीं कर सकते, आर एफ इक्वल्स टू आर बी ही रहेगा हमेशा, समझ में आ गया इतना। अगला पॉइंट इसके बारे में, सॉरी सॉरी,
अगला पॉइंट इसके बारे में कि जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेती है तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी नियत हो जाएगी कांस्टेंट हिले के नहीं यहां से ये ट्रूथ है ये एक ट्रूथ है जिसको आप याद रखेंगे ये हमेशा ट्रूथ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी कैसे हाइड्रोजन शुरू में क्या था शुरू में इसके मान लो 5 मोल थे तो इसके क्या होंगे 5 मोल तो इसके कितने बनेंगे 10 मोल अच्छा ये स्टोइकोमेट्रिक बोल रहा हूं मैं स्टोइकोमेट्रिक समझ में आ रहा है क्या इसका एक मोल था तब इसका एक मोल इसका एक मोल और इसका एक मोल मिलके दो इसके दो मोल बना रहे हैं ये आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा या फिर मान लो हमने चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया है मोल कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक थोड़ा बताया नहीं है लेकिन बता दूंगा अभी इसके बाद बता दूंगा चलो तो आपको समझ में आ जाएगा अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो इसके बाद हम बता देंगे इसी चैप्टर में बता देंगे थोड़ा बहुत ब्रीफ क्योंकि चाहिएगा हमें उसके बिना तो हमारा चैप्टर कंप्लीट भी नहीं होगा ठीक है तो इसका एक मोल इसके दो मोल ठीक है तो इसका अगर इसका दो मोल तो इसका कितना कितना चार मोल इसका पांच मोल तो इसका कितना इसका दस मोल बनेगा पांच मोल इसके अगर ब्रेक सॉरी पांच मोल अगर इसके कंज्यूम हो रहे हैं पांच मोल इसके तो ये दस मोल एचआई बनेगा ठीक है तो इससे दो के रेशियो में है ना इसका रेशियो क्या है स्टोइकोमेट्रिक क्या है रेशियो ही तो है रेशियो पे खेल चलेगा ये एक वन इज टू टू रिएक्टेंट एक रेशियो एक के इसके रेशियो में है तो ये टू इज टू के रेशियो में ठीक है तो ये जो है कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी कांस्टेंट रिएक्शन देखो ऐसा है कि मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट कवर नहीं करा रहा थ्योरी सिर्फ बोल रहा हूँ कि जैसे इस वाले इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है वो मैं बोल के बता रहा हूँ लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है हम ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल तो इसके लिए मैं आपको जैसे रफली ये बता रहा हूँ नोट्स अच्छे आप ही बनाओगे ठीक है अगर आप कहोगे तो मैं फोटो वैसे नोट्स की भेज सकता हूँ अगर किसी को चाहिए तो लेकिन ऐसे बोल भी ये सब कुछ मतलब डेफिनेशन लिखना ये सब पॉसिबल नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ फिर आप मेरे साथ साथ लिखो ऐसा होगा नहीं आपके इसीलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी अगर वीडियो मिलती रहे तो कुछ किसी का भला हो जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे पीएचयू का और बीच बीच में हम जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो मैं बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बीएचयू में आया था इस साल में ये नीट में आया था ऐसे मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में निकाल के रेडी रखूंगा ताकि आपको नीट और बीएचयू दोनों बीएससी प्लस सॉरी ऑनर्स और एग्रीकल्चर दोनों में फायदा हो इस चीज का ठीक है तो आप फोकस को मेरे हिसाब से नीट पे ही कर रहे होंगे लेकिन कई बार हमारी किस्मत साथ नहीं देती तो कोई बात नहीं बीएचयू भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत रेपुटेटेड और अभी फिलहाल तो एनआईआर की रैंकिंग में बहुत अच्छी चल रही है बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे बीएचयू के अंदर साइंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है खासतौर पर मेरा तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा ही है चलिए अच्छा कुछ करेक्टर में इरिवर्सिबल रिएक्शन ये भी बता देता हूँ जैसे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के भी मैं इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है सिर्फ एक डायरेक्शन में इसका मतलब होता है रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो इसको किसी भी पात्र में करवा सकते हैं ओपन क्लोज कोई मैटर नहीं है ओपन या क्लोज जितनी भी तुम्हारी मैंने सॉरी कल एग्जांपल तो बता ही दिए थे पिछली वीडियो में लेकिन इसके मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है जैसे कंबसन रिएक्शन जो होती है कंबसन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन और तुम्हारा जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि ये होती है
रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, एक डायरेक्शन में चलती है भैया, आर फॉरवर्ड, हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही निकाली जाती है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनाया जा सकता है। ये एग्जांपल लिख लेना, ये एग्जांपल नहीं, ये तो ये है एग्जांपल जिसके कौन कौन सी रिएक्शन है, कंबशन यानी दहन वाली रिएक्शन, दहन मतलब दहन क्या, जलाना किसी चीज को, उसके उससे एनर्जी लेना, जैसे इथेन मीथेन को जलाते हैं ना O2 की कंडीशन O2 के साथ, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब क्या है इसके, अवक्षेप वाली मैंने बताई थी, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन वाली मैंने बताई थी, अवक्षेप यानी वो एडिशन का प्रेसिपिटेशन बैठा था ना नीचे, अरे वही रिएक्शन कल बताई थी, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत? हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, इसको हम बता देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में, अभी इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस, आज पढ़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कोई शिकायत ना मिले आज, आप कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और क्या क्या कमी है फीडबैक भी देते रहें साथ साथ, ताकि मुझे पता लगे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है और क्या नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम सबसे पहले ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कोई भी जो भी तुम्हारी रिएक्शन है, कौन सी, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ऐसी स्टेट आती है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट जो है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसको आर बराबर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख लेना, और आर बी जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ये मैं साइड में लिख देता हूं, आप डिनोट कर लेना बॉक्स बना के, ताकि आपको काम आए, ये चैप्टर ये जो कंटेंट है ना ये आता है हमारे केमिकल काइनेटिक्स में, रेट वाला जो पोर्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला पोर्शन है वो हम केमिकल काइनेटिक्स में, वो पूरा का पूरा जो है वो रेट पे डिपेंड होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर की, कैसे रिएक्शन जाएगी और सब उसी में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे रेट, जैसे इस फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जैसे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा, ये रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रोडक्ट क्या है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो रेट, रेट मतलब नीचे तो टाइम है ही, रेट का मतलब होता है हमेशा टाइम, टाइम नीचे जरूर होगा, उसी को हम रेट कहेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। इसकी कंसंट्रेशन जो है ये क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है, तो इसको हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, बराबर, ये क्या है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये क्या है टाइम, टाइम कौन सा टाइम है, टाइम ये है, टाइम वो है कितने समय में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जो उसका गैप है, चाहे वो 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 2 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, 2 साल हो, 5 साल हो, वो जो टाइम है वो ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का टाइम कितना लगा है, ठीक है, वो टाइम ये है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ कम हो रहा है, और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस है, तो ये जो है प्लस क्यों आया, क्योंकि ये जो है समय के साथ बढ़ रहा है, इसलिए ये प्लस का निशान मैंने लगाया है। तो रेट का अगर जनरल फॉर्मूला हम लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन
चेंज इन कंसंट्रेशन बट टाइम टेकन बाय टेकन इन चेंज, और ये प्लस एंड माइनस दोनों आएगा। अगर ये रिएक्टेंट के इसके रेफरेंस में लिख रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये इसको भूल लीजिए बॉक्स में मन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको अलग से लिख देना, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको याद रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एक चीज क्या है, जैसे ये जो ए और बी है, ये मान लो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं। जब सी और डी बनाएंगे तो ए और बी, या तो ऐसा हो सकता है कि हम इनको एनर्जी दें बाहर से एनर्जी देंगे, तभी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। किसका, देखो ए और बी है जो एंडोथर्मिकली आर एफ के माध्यम से सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, सी और डी जो है वो आर बी के माध्यम से ए और बी बना रहे हैं। जब ए और बी इधर वाली डायरेक्शन की अगर बात करूं तो ये क्या होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसका, क्योंकि एंडोथर्मिक है और सी और डी बने। जब सी और डी जब इसमें ब्रेक डाउन होगा, ये वापस जब रिएक्शन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। तब अगर ये एंडोथर्मिक है तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक, ये क्या होगी, बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। अगर ये वाली एंडोथर्मिक है तो ये एक्सोथर्मिक होगी भैया, ये याद रखना, ये सिंपल सा दिख रहा है भैया। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड आने वाली एक्सोथर्मिक होगी, और बैक अगर फॉरवर्ड जाने वाली एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड आने वाली एंडोथर्मिक होगी। यानी अगर इसको इधर जाने के लिए हीट चाहिए तो इसको ये वापस जब आएगी तो हीट वापस से निकाल देगी। यही तो रिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात है। एक ही रिएक्शन में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है। अगर इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की डेल्टा एच पॉजिटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन की आपको डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव देखने को मिलेगी। समझ गए मेरी बात, समझ गए। चलिए A plus B is equal to C plus D. ये क्या है product, ये क्या है RF और ये क्या है R backward। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक graph बनाने जा रहा हूँ, दूसरा चौक ले लेता हूँ मैं। चलिए देखिए, ये है तुम्हारी rate of reaction इस वाली डायरेक्शन में, और ये तुम्हारा टाइम। ठीक है, देखिए टाइम के साथ ये ए और बी है और ये सी और डी है। सबसे पहले क्या है, ए और बी मैक्सिमम है, रिएक्शन शुरू होने से पहले ए और बी क्या है, मैक्सिमम, यानी अपने मैक्सिमम लेवल पे है। इसका मतलब सी और डी जो है वो जीरो जीरो है, सी अभी बनाई नहीं है, डी अभी बनाई नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ए और बी टाइम के साथ कम होते रहे, सी और डी टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे। सी और डी बढ़ते रहेंगे, ए और बी कम होता रहेगा, सी और डी बढ़ते रहेंगे, ए और बी कम होता रहेगा, सी और डी बढ़ते रहेंगे, ए और बी कम होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, कंसंट्रेशन नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात मैं कर रहा था कि ए जब मैक्सिमम होगा, बी जब मैक्सिमम होगा तो सी जीरो होगा, डी जीरो होगा,
अभी थोड़ी देर पहले बताया वेलोसिटी ऑफ ब्रेकडाउन, इसके रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की डायरेक्शन जो है, डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट जो है वो फास्ट होगी शुरू में यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी फास्ट थी, ठीक है, इसकी जीरो थी, ये ज़्यादा कम होता रहा, ए और बी जैसे जैसे खत्म होता गया ये रेट कम होती गई, ये बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया जब आर एफ और आर बी, ये क्या है आर एफ, ये है आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहां पे क्या होगा आर एफ बराबर आर बी हो जाएगा, समझ गए, आर एफ इक्वल्स टू आर बी। अब इसमें एक पॉइंट आता है, आपने नाम सुना होगा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बहुत ही अच्छी चीज है, दो टाइप का होता है, दूसरे चौक मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब कर लो आर एफ और आर बी दो बहुत ही अच्छी चीज होती है, सॉरी कैटलिस्ट बहुत ही अच्छी चीज होती है। कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन को भगा देगा यानी तेज कर देगा, फास्ट कर देगा, या रिएक्शन को बहुत ही स्लो कर देगा, तो दो टाइप के हो गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, फास्ट कर देगा इसका मतलब क्या है, क्या मतलब, सीओडी ज्यादा बनेंगे, ए और बी ज्यादा टूटेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत मतलब है ये, ए और बी ना तो ज्यादा टूटेंगे, सीओडी ना तो ज्यादा बनेंगे, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब ए और बी को ये फॉरवर्ड वाली रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा था जैसे 15 मिनट, तो अब सिर्फ 8 मिनट लगेंगे, या फिर 15 मिनट की जगह 10 मिनट लगेंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा है 15 मिनट वाली को 2 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये टाइम कम कर देता है, ना कि प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कंसेप्ट नहीं चाहिए, ये सिर्फ फास्ट करेगा रिएक्शन को, ना कि इनकी मात्रा बढ़ाएगा। जैसे अगर मैं ये क्या है, ये कौन सा टाइम है, टाइम टी है जिस पे इसने रिएक्शन ने नॉर्मली अपनी कंडीशन में किसको प्राप्त कर लिया था, साम्य को प्राप्त कर लिया था, ये इक्विलिब्रियम को कहते हैं साम्य को प्राप्त कर लिया था इसने इस टाइम में। लेकिन जैसे ही मैंने धनात्मक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट मिलाया, कैटलिस्ट उत्प्रेरक मिलाया रिएक्शन को, रिएक्शन में झनझनाहट हुई यानी उसने स्पीड बढ़ाई अपनी, ना कि इनके तोड़ने की, इनको ज्यादा तोड़ा, इसने रिएक्शन ने सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो स्पीड बढ़ाई है तो ए और बी जल्दी टूटेंगे, सी और डी जल्दी बनेंगे, तो टाइम जब इसको रिएक्शन को होने में इतना लग रहा था तो अब इसको इतना ही टाइम लगेगा, समझ गए। इक्विलिब्रियम वही है, ये वाला पॉइंट देखो ना, इक्विलिब्रियम सिर्फ वही है, इक्विलिब्रियम की एक फिक्स जगह होती है जहां पे आके वो रुक जाता है, जहां पे आके वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने का मेरा मतलब ये नहीं है वो रुक जाता है, मतलब एक फिक्स पॉइंट है जिस पे वो उस रिएक्शन को प्राप्त करता है। तो ये वाला पॉइंट देखो, इन दोनों का सेम ही है यहां पे, ऐसे ही नेगेटिव कैटलिस्ट, ये नेगेटिव कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट था, ये नेगेटिव कैटलिस्ट था, तो ये इसने क्या कर दिया, टाइम बढ़ा दिया रिएक्शन का, टाइम बढ़ा दिया। लेकिन आप ध्यान से देखो, रिएक्शन का जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो सेम है तीनों का, 1, 2, 3 तीनों का सेम है, ये नहीं चेंज होगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा कि जब इसको इस रिएक्शन को जब मान लो नॉर्मली 15 मिनट लग रहे थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने इसको इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 7 मिनट में ही आ गया, ठीक है 7 मिनट में ही आ गया। लेकिन जैसे ही मान लो ए प्लस बी को में नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाया तो वो क्या है सी प्लस डी को आने में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 15 या 25 मिनट लग गए, ये सिस्टम है इसका। जैसे देखो यार सिंपल सा एग्जांपल है H2O क्या होता है भाई, पानी होता है, ये क्या होता है लिक्विड होता है, सबको पता ही है जो हम काम में लेते हैं ये, ठीक है H2O लिक्विड है। तो एक बात बताओ H2O से आपने कभी
वेपर बनाइए, वेपर वेपर H2O गैस जिसको बोलते हैं भाप। अरे पानी को उबालोगे, पानी को उबालोगे तो क्या बनेगी? भाप बनेगी, भाप बनेगी, भाप बनेगी, भाप। भाप कितने डिग्री पर बनती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी की, ठीक है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप एक बात बताओ, पानी 100 डिग्री पे उबलने लग जाता है, सबको पता है, सबको पता है 100 डिग्री पे ये उबलने लग जाता है। तो देखो ये अब H2O, 100 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जब H2O लिक्विड भी है और H2O गैस भी है। जैसे किसी पात्र में पानी उबल रहा है, ये भाप बन रही है, ऊपर उठ रही है, ये भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी और ये जो पानी है वापस इसमें कन्वर्ट होता रहेगा 100 डिग्री। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ध्यान से देखना, इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 डिग्री जो है वो पानी के उबलना बॉइल होने की कंडीशन है, बॉइल होने की। और भाप जो है, भाप जो वाष्प है, वेपर है, वो बनना स्टार्ट हो रही है, वेपर बनना स्टार्ट हो रही है, जस्ट स्टार्ट हुई है 100 डिग्री रीच करते 99.9 पे वेपर नहीं, वो सॉरी वेपर फेज नहीं पकड़ेगा पानी, लेकिन जैसे ही थोड़ा कम हुआ ये वापस कंडीशन में आ जाएगा इसके, ठीक है। ये इधर क्या हो रहा है? बॉइल। इधर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, संघनन, भाप से लिक्विड बनना, ये क्या है? संघनन। और ये कितने डिग्री पर हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक चीज और आपने बात चली पड़ी है तो ये और बता देता हूं, ये H2O क्या है? आइस, सॉलिड होता है। H2O क्या है? आइस। ये कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेल्सियस। यही तो होता है, ये बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट हो जाती है H2O, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इधर थोड़ा सा चलोगे तो ये बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? यही तो इक्विलिब्रियम है, यही तो दो कंडीशन को मिला रहा है, यही तो। इसको कहते हैं फिजिकल, क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हारा बदल नहीं रहा है ना, इसमें ए प्लस बी प्रोडक्ट कुछ और ही बन रहा है, इसमें H2O है, H2O सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदल रही है। इसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और बात करें हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तो इससे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, बस ध्यान रखेंगे इसको कि ऐसा होता है, ठीक है। आइए समझ, नोट पूरा साइड रख जाता हूं थोड़ा। हाँ तो हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि क्या सोचा आपने इस ग्राफ के बारे में? ये ग्राफ सिर्फ इतना बता रहा है कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में, यानी इक्विलिब्रियम प्राप्त करने में रिएक्शन की कोई हेल्प नहीं करते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये सिर्फ टाइम बदलता है कि जल्दी आएगा या बाद में आएगा, इसको इसमें कोई रोल नहीं होता है। एक मिथ है तो ये है, जैसे इक्विलिब्रियम के बारे में एक दो पॉइंट और है, जैसे कुछ इक्विलिब्रियम हेटरोजीनस होते हैं, कईयों के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, हेटरोजीनस होते हैं, कई होमोजीनस होते हैं। होता क्या है दोनों में, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना सा है कि जैसे अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अगर फिजिकल स्टेट सेम हो तो उसको कहते हैं होमोजीनस, सारे लिक्विड, ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड। इसको कहते हैं होमोजेनस इक्विलिब्रियम, होमोजेनस। ये बस आप ध्यान रखो, आपको याद तो आता ही रहेगा दोनों को देख के, लिक्विड 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 लिक्विड। सॉलिड जिंक, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, है क्या? सेम नहीं है, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, हेटरोजीनस इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो है हेटरोजीनस, CaCO3 CaO प्लस CO2 गैस, सॉरी सॉलिड, सॉलिड गैस, कुछ भी लिख दो यार, तुम्हें पता होना चाहिए बस, ये हेटरोजीनस और होमोजीनस का अंतर तो पता ही है तुम्हें, बस घुमाए
घुमाता क्या रहा है, बस छोटी छोटी जमीनों को जी। अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट और है, इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी पॉइंट से हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही हो चाहे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा H2+I2 क्या होता है 2HI, इसमें रिएक्शन को चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो 2HI इसको H2+I2 कोई फर्क नहीं है, 2NH3 इधर से स्टार्ट करो N2+H2 कोई फर्क नहीं है दोनों में, या फिर N2+3H2 इसको 2NH3 आप जिधर से चाहो स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप प्रोडक्ट मान सकते हो, इसको रिएक्टेंट मान सकते हो, या फिर इसको रिएक्टेंट मान सकते हो, इसको प्रोडक्ट मान सकते हो, या फिर इसको रिएक्टेंट मान सकते हो, इनको प्रोडक्ट मान सकते हो, या फिर इनको प्रोडक्ट मान सकते हो, इनको रिएक्टेंट मान सकते हो, या फिर इनको प्रोडक्ट मान सकते हो, इनको रिएक्टेंट मान सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आप क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं है। चलिए इसके कुछ पॉइंट है जो अभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर भी हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे और अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो आपको करने हैं, और न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, जैसे सवाल हो गए कॉन्सेप्चुअल सवाल नीट वगैरह में, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं। अच्छे अच्छे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बोर्ड पे, आपको टाइम दूंगा, आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट करके उनके आंसर बता सकते हैं लास्ट में वीडियो के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बिना किसी रुकावट खेद के मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।